राम राम साहब, मैं हूँ प्रिया। मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोसेस रिएक्शन में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं राजकुमार मूवी के सेकंड सिंगल बोलबाद पे, और इस मूवी में है शाकिब खान और इस गाने को गाया है आरिफ ने। उसमें म्यूजिक है प्रिंस का, तो सबसे पहले हमें सॉन्ग सुन लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ভেতর মাঝে ওলট পালট লাগে কেন রে আদর আদর বড় মায়া লাগে কার জন্য ভেতরটাতে আকাশ পাহাড় আবেগ কার জন্য আনন্দটা অভিমানী মেঘ কেন এটা ভালো বাসতে বাসতে ভালো বাসতে বাসতে বরবাদ হয়ে যাচ্ছি ভালো বাসতে বাসতে ভালো বাসতে বাসতে বরবাদ अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ है, जैसे कि जो लोकेशन ले लीजिए, जो कैमरा वर्क ले लीजिए, क्लियरिटी ले लीजिए, वो बहुत ज्यादा कमाल की है सीरियसली। और गानों की बात करें तो पहला रोमांटिक ट्रैक आया था और ये मतलब थोड़ा सैड सॉन्ग है, वो सीधा यहाँ पे जाके लगता है सीरियसली।
रोमांटिक ट्रैक भी बहुत ज्यादा कमाल का था, और ये वाला गाना भी मेरे मतलब सीधा यहाँ पे जाके मुझे ये गाना फील हुआ, और जो वोकल थी बहुत ही ज्यादा कमाल, आरिफ ने जो गाना गाया आतिफ असलम टच लगा था मुझे, म्यूजिक जो प्रिंस ने म्यूजिक दिया इतना ज्यादा कमाल, लोकेशंस इतनी ज्यादा खूबसूरत बताई गई, और जो केमिस्ट्री दिखाई है कर्टनी कॉफी और शाकिब खान इतने साथ में कमाल लग रहे हैं। जैसे इसमें पहले मुझे ऐसे लग रहा था ये एक रोमांटिक सॉन्ग है, जिस तरह से हैप्पी मोमेंट्स दिखाए जा रहे थे, और उसके बाद से एकदम से गाना स्विच हुआ और इमोशन स्विच कर दिए गए, और फिर ऐसे लग रहा था कि ये मतलब सैड ट्रैक है, तो वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा जिस तरह इसमें दोनों चीजों को दिखाया गया है गाने में। और सच में जैसा इसने बोला आतिफ असलम टच लगा, क्योंकि जो वॉइस है आरिफ की वो थोड़ी बहुत सिमिलर है, लेकिन शाकिब खान मतलब पूरे वीडियो में इस पूरी मूवी में इतने ज्यादा हैंडसम लग रहे, सीरियसली जो इनका पहला गाना आया था उसमें भी वो बहुत कमाल के लग रहे थे, लेकिन इस गाने में जो उनके कॉस्ट्यूम दिखाए गए, जो मतलब कलरफुल कॉस्ट्यूम दिखाए गए, और लुक भी मतलब थोड़ा स्विच हो रहा था, कि एक में तो वो पूरा क्लीन शेव थे और एंड में जाते जाते उनके बियर्ड भी हल्की हल्की बियर्ड देखने को मिली। तो ओवरऑल इस गाने की बात करें तो मतलब वोकल से लेके म्यूजिक से लेके लोकेशन से लेके हर एक पॉइंट पे टिक था, एकदम परफेक्ट गाना था। स्पेशली लिरिक्स, मतलब जैसे इस गाने का नाम था बर्बाद, और इसमें लिरिक्स ये थे कि प्यार मतलब करते करते बर्बाद हो गए, मतलब बहुत ही प्यारी तरह से लिरिक्स लिखे गए हैं। सो ओवरऑल अगर इस पूरे गाने की बात की जाए तो परफेक्ट। और वैसे मैं इस मूवी के थर्ड सिंगल जो राजकुमार मूवी का टाइटल ट्रैक आने वाला है वो एकदम पार्टी नंबर होने वाला है, उसका मुझे वेट है। और आप हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गाना कैसा लगा और आपको उस पार्टी नंबर का कितना ज्यादा वेट है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस अभी करते हैं इस वीडियो का एंड, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखना। सो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।